अंबा बाईपास मुड़िया खेड़ा गांव के पास रहने वाले कॉलोनी वासियों की विद्युत लाइन काट दिए जाने से कॉलोनी वासियों में आक्रोश व्याप्त है। विद्युत लाइन को कर्मचारियों के द्वारा काट दिया गया है, जिसके बाद सभी कॉलोनी वासी एकत्रित हुए और विद्युत विभाग ऑफिस पहुंचे और विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं महिलाओं का कहना है कि सरकार के द्वारा जो हमें लाडली बहना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह मिलने वाली राशि है वह हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल बिजली का कनेक्शन चाहिए। बताया जाता है कि अवैध कॉलोनी बसी हुई थी, जिस कारण विद्युत कनेक्शन काट दिए गए। मगर वहीं दूसरा पहलू यह भी है कि जब कॉलोनी अवैध थी तो वहां पर कुछ रहवासियों को बिजली कनेक्शन क्यों दिए गए हैं? यदि उन अधिकारियों ने उन्हें कनेक्शन दिए हैं तो उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में महाप्रबंधक का कहना है कि गांव के पास अवैध विद्युत कनेक्शन लगे हुए थे तो उनको काट दिया गया, लेकिन जिन अधिकारियों ने कुछ लोगों को कनेक्शन अवैध रूप से दिए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही अवश्य की जाएगी। मुड़िया खेरा बाईपास के आप लोग इकट्ठे हो, क्या मामला है? हमारे यहाँ 24 तारीख से लाइट कटी हुई है, 24 मार्च से अप्रैल चल रहा है, लगभग 20 दिन हो गए ऑलमोस्ट, और 20 दिन से लाइट की वजह से पानी बिजली हर चीज़ की परेशानी है। और कम से कम मेरे ही अपने जो मेरा जो कटा है उसमें कम से कम 50 से 60 घर हैं और हम सब यहाँ खड़े हैं, 50-60 लोग इकट्ठे यहाँ पर। अब हमें क्या पता क्यों लाइट काटी है? अच्छा, 50,000 वैसे मेरा कनेक्शन है, लेकिन एक दो ही है वहाँ पर, कनेक्शन ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतने लोग हैं और उनको कनेक्शन, वो लोग कह रहे हैं कि हमें दो। फाइल तुमने बना के रख रखी है, कनेक्शन देना नहीं है तुमको, और ऊपर यहाँ के बोल रहे हैं तो कह रहे हैं 51,000 रुपये दो, जिनके अपने प्लॉट ही 5-5 लाख रुपये के हैं, इतने मुश्किल से घर बना पाए, वो 50,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? अभी इमीडिएटली बोल रहे हैं कि 50,000 दोगे आप तो आपको जो है कनेक्शन दिया जाएगा। 51,000 रुपये हम कहाँ से दें 51,000 रुपये? और अवैध कॉलोनी आप बता रहे हैं तो फिर आप डायवर्सन कैसे करते हैं मकानों के? परमिशन हमने होम लोन लेके मकान बनाया है, आपने डायवर्सन करा दिया, नगर निगम ने परमिशन दे दी कि घर बना लीजिए और कॉलोनी अवैध हो गई। फिर ऐसे कितनी अवैध कॉलोनी है हमारे नाम, जहाँ हमारे घर है कम से कम 20 लोगों के मकान है, 7 साल पुराना घर है हमारा, 7 साल पुराना। बिजली कनेक्शन कब का है? बिजली कनेक्शन को 4 साल हो गए मेरे को, बिल भर रही हूँ हर महीने। अब कनेक्शन इतने लोग मेरे पीछे दिख रहे हैं ना आपको, इनके संग में हमारी भी कटी है, परेशान तो मैं भी 20 दिनों से हूँ। 24 तारीख से कनेक्शन नहीं कटा है, लाइट कटी है, कनेक्शन नहीं काटा है, लाइट कटी है, हाँ बिल्कुल टोटल बंद। पानी के लिए आप सोचिए, एक दिन के लिए सिर्फ एक दिन के लिए आप लोग रात में सो नहीं सकते, पिछले 20 दिनों से लगातार ये हम सब लाइट के बिना कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे। अरे हेडपंपों से पानी, और आप लोग जो है योजना चला रहे हैं, 1,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, 1,000 रुपए में क्या हो जाएगा भाई साहब? हमें नहीं चाहिए 1,000 रुपए, कम से कम बेसिक सुविधाएं तो दो, इतना परेशान कर रखा है, उस 1,000 रुपए का क्या हो जाएगा? हर महीने 1,000 रुपए से हम लाइट लेने आएंगे, अधिकारी कहेंगे 51,000 लेकर आओ, 50,000 ले तो रहे हैं जनता को, कौन सा तरीका है? बेवकूफ बनाना है बिल्कुल। और ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप अपनी योजनाएं चला रहे, जो करें करें, बेसिक सुविधाओं से क्यों मतलब वंचित कर रखा है लोगों को? मैं यहाँ कनेक्शन भी है मेरे पास, सब कुछ है, बिल भी भरती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ इतने लोग खड़े हैं क्योंकि लाइट तो मेरी भी कटी है, कनेक्शन होने के बाद भी कटी है। मेरा नाम दुर्गेश भदौरिया है, वाइफ ऑफ यशपाल सिंह भदौरिया, मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं, मैं अकेली रहती हूँ घर पे, मेरा बेटा है 7 साल का, इतना सारा काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं, वहाँ भी कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे ही हैं क्योंकि लाइट और पानी कुछ है नहीं। देखिए इनका जो प्रारंभिक स्थिति में मेरे को जो जानकारी मिली है वो अवैध कॉलोनी, अवैध बस्ती और अविकसित कॉलोनी की श्रेणी में आता है। राज्य शासन द्वारा 31 मई 2022 को एक अधिसूचना जारी कर दी है, उसमें अधिसूचना के तहत उन्होंने स्क्वायर फीट के हिसाब से कनेक्शन के चार्जेज घोषित कर दिए हैं। 500 स्क्वायर फीट का यदि प्लॉट होगा तो लगभग अपने को 34,254 रुपये जमा करना होंगे। 500 से 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट होगा उसमें 51,121 रुपये शुल्क के रूप में जमा करना होगा। यदि वहाँ पर लाइन नहीं है, खम्भे नहीं हैं, ट्रांसफार्मर नहीं है, केबल नहीं है, वो सब खर्च विद्युत वितरण कंपनी जो ये राशि जमा होगी इसमें से उनकी लगाने की व्यवस्था करेगा और उनको नियमित कनेक्शन स्थायी देने की व्यवस्था भी करेगा। लेकिन वहाँ केबल बिछा दी गई है और वहाँ जो कुछ लोगों को पहले से कनेक्शन दे दिया, जो पहले कनेक्शन दिए हैं वो गलत दिए हैं, उसके प्रति जैसे ही संज्ञान में आया है उस पर जो भी लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और लाइन भी वहाँ डलना नहीं थी, जो नियम विरुद्ध डली है
लेकिन जो लोगों को कनेक्शन दे दिए गए हैं उनके कनेक्शन चालू कराने की व्यवस्था की जाए। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, ठोस कार्रवाई की जाएगी।